नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से कुछ खास बातें बताना चाहूँगा अग्निकोण के बारे में, यानी दक्षिण पूर्व के कोने के बारे में, यानी कि साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व का कोना, आग्नेय कोण जिसे हम कहते हैं, क्योंकि आग्नेय कोण अग्नि तत्व का स्थान है और यहाँ पर हमें क्या चीज़ नहीं बनानी चाहिए, किन बातों का हमें अग्निकोण में ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो अग्निकोण में पानी का अंडरग्राउंड वाटर टैंक या सबमर्सिबल नहीं लगाना चाहिए। यदि अग्निकोण में पानी का अंडरग्राउंड टैंक आ जाता है या सबमर्सिबल लगा दिया जाता है तो ये मान के चलिएगा घर के अंदर हेल्थ से संबंधित दिक्कत तो आएंगी आएंगी, देर सवेर एक्सीडेंट होने के कारण भी बन सकते हैं। तो इसलिए अग्निकोण में पानी का अंडरग्राउंड वाटर टैंक या सबमर्सिबल नहीं होना चाहिए। यदि फर्श का लेवल नीचा है, यानी पूरे घर का फर्श का लेवल इक्वल है और सिर्फ अग्निकोण का फर्श का लेवल नीचा है तो भी वहाँ पर देर सवेर एक्सीडेंट्स होने के कारण बन सकते हैं और साथ में स्वास्थ्य तो खराब रहेगा ही रहेगा। इसी के साथ जो पैसा है वो पैसा भी आपका जाता रहेगा, बेवजह खर्च होता रहेगा और पता भी नहीं चलेगा कि आपका पैसा गया कहाँ। अग्निकोण में हमें और क्या नहीं बनाना चाहिए, टॉयलेट नहीं बनानी चाहिए। टॉयलेट बनी हुई हो तो घर के अंदर हेल्थ से संबंधित भी दिक्कत आती है और वेल्थ से संबंधित भी दिक्कत आती है। ऐसे ही अग्निकोण में वॉशिंग मशीन रखी हुई है तो भी इस प्रकार की समस्याएं उस घर के अंदर देखने को मिलती है। या अग्निकोण में मेन गेट लगा हुआ है वो दक्षिण की दीवार पर लगा हुआ है या पूर्व की दीवार पर लगा हुआ है। पूर्व की दीवार पर यदि अग्निकोण में मेन गेट लगा हुआ है तो ये मान के चलिए घर के अंदर बीमारी पीछा नहीं छोड़ेगी, घर में बीमारी हमेशा बनी रहेगी। और वही गेट आपका दक्षिण दिशा में आग्नेय कोने में लगा हुआ है तो वो गेट तो आपका बिल्कुल सही है, लेकिन वहाँ का फ्लोर लेवल नीचा है और उस हिस्से में हमेशा पानी का छिड़काव करते हैं, पानी से फर्श की धुलाई करते हैं, रैम की धुलाई करते हैं तो भी घर के अंदर हेल्थ से संबंधित दिक्कत बनी रहेगी। ऐसे ही आग्नेय कोण में दक्षिण पूर्व के कोने में छत के ऊपर ओवरहेड वाटर टैंक बनाया हुआ है तो भी घर के अंदर बीमारी बनी रहेगी और पैसा घर के अंदर जो आ रहा है वो आने के साधन धीरे धीरे करके कम होते चले जाएंगे और धीरे धीरे करके कर्ज बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए अग्निकोण में कभी भी पानी का कोई काम नहीं करना चाहिए, टॉयलेट नहीं बनानी चाहिए, फर्श का लेवल नीचा नहीं होना चाहिए, वॉशिंग मशीन नहीं लगानी चाहिए, ओवरहेड वाटर टैंक भी नहीं होना चाहिए। इनका सीधा प्रभाव घर के जो मेल बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य खराब रहता है, जो घर की महिलाएं हैं उनका स्वास्थ्य खराब रहता है और घर के जो मेल मेंबर है वो हमेशा पैसे की तरफ से परेशान रहते हैं, क्योंकि पैसे आने के जो साधन हैं वो तो बने हुए हैं लेकिन पैसा घर के अंदर आता है और पता नहीं चलता वो पैसा कहाँ चला गया। उसके पीछे कारण क्या है, अग्निकोण। अग्निकोण को यदि आप सही कर लेते हैं तो मेरा अपना मानना है कि आपका अग्निकोण बिल्कुल सही हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके यहाँ पैसे आने के साधन कैसे प्लस हो गए। आप अपने घर में हेल्थ अच्छी चाहते हैं तो अग्निकोण से पानी की व्यवस्था को ख़त्म करें। यहाँ पर पानी है तो उस पानी को यहाँ से बिल्कुल हटाए, चाहे वो गहराई में हो यानी पानी का अंडरग्राउंड टैंक हो या सबमर्सिबल लगा हुआ हो या ओवरहेड वाटर टैंक बना हुआ है या यहाँ पर पानी का काम करते हैं तो वो हमेशा ही नुकसानदायक रहता है। मैंने खूब देखा है जो व्यक्ति ये कहते हैं, नहीं बंसल जी हमारा तो अग्निकोण में पानी का कोई काम नहीं होता, वहाँ पर हमने ना तो सबमर्सिबल लगाया हुआ है ना ही ओवरहेड वाटर टैंक बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी घर के अंदर बीमारी है। जब देखते हैं तो उनका गेट जो अग्निकोण में बना हुआ है वहाँ पर हर रोज फर्श से पर पोचा लगता है, लेकिन पोचा लगने के बाद जो बाल्टी के अंदर गंदा पानी होता है उस गंदे पानी को रैंप के ऊपर डाल देते हैं और रैंप के ऊपर जब गंदा पानी डालते हैं तो उसको साफ करने के लिए दो बाल्टी साफ पानी की भी डाल देते हैं, तो उसके कारण अग्निकोण गीला हो जाता है जिसके कारण घर के अंदर बीमारी भी आती है और पैसे से संबंधित दिक्कत भी बनी रहती है। और इसी के साथ में बहुत सारे लोग करते क्या है, साउथ फेसिंग घर है या ईस्ट फेसिंग घर है उसके आग्नेय कोण में पानी से गाड़ी की धुलाई करते हैं तो उसके कारण भी घर के अंदर समस्याएं बनी रहती है। तो अग्निकोण से आपने अपने यहाँ पर पानी ख़त्म करना है, पानी की कोई भी एक्टिविटी अग्निकोण में नहीं करनी है। ऐसा करेंगे तो मेरा अपना मानना है कि आपके घर के अंदर खुशहाली लौट आएंगी। आप अपनी किसी भी साइट के बारे में हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप अपनी साइट का मैप भेजकर हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, और आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं या नई फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार अपनी साइट का मैप भी बनवा सकते हैं, और आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इन्वाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए भी इन्वाइट कर सकते हैं। ये सभी सेवाएँ हमारी चार्जेबल रहेगी, पेड रहेगी। आप अपना कीमती समय निकाल कर
मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।